अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। दोस्तों, आमिर लियाकत अपनी तीसरी शादी की डाइवोर्स के बाद अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सके, दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुकम्मल तफसीलात बताएँगे इस वीडियो में कि ये इतने दिल बर्दाश्त क्यों हो गए, इतने जज्बाती क्यों हुए और इनके इस फैसले से क्या लोग खुश हैं या उदास हैं। मुकम्मल तफसीलात बताएंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आमिर लियाकत पाकिस्तान के पीटीआई के पॉलिटिक्स में भी काम करते हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले इन्होंने बुशे आमिर से शादी और उनको तलाक दी, फिर उन्होंने तूबा आमिर से की, फिर उनको तलाक दी और अब इन्होंने दानिया शाह से की और इनको भी डाइवोर्स हो गई। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दानिया शाह में डाइवोर्स पर इनका मामला बहुत ज़्यादा उछाला गया, तो एक दूसरे पर ये दोनों ही घिनौने इल्ज़ाम लगाने लगे। बल्कि दानिया शाह पहले तो बहुत प्यार मोहब्बत का इजहार करती रही, मगर एंड में आकर इनकी एक ऐसी वीडियो शेयर की जिसको देखने के बाद ये एक मुंह दिखाने के काबिल ना रही पाकिस्तान, बल्कि दुनिया भर में ही इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाने लगी, जिसके बाद अपनी ये इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सके और दिल बर्दाश्ता होकर आज इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। दोस्तों, इस ऐलान से लोग खुश नहीं हैं। दोस्तों, आप इससे क्या खुश हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।